फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज इस वीडियो में हम फीटर टर्नर मशीनिस्ट ट्रेड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आपके आने वाले सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन हम आज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ सॉल्व करेंगे, ताकि आपके जो थ्योरेटिकल जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएँ, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आज का आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी जरूर कर दें। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ होल विच इज नॉट मेड थ्रू फुल डेप्थ ऑफ द कंपोनेंट इज नोन एज, यानी कि वैसा होल जिसे हमने कंपोनेंट के फुल डेप्थ तक नहीं बनाया, पूरी गढ़ाई तक नहीं बनाया हो, वैसे होल को क्या बोलते हैं। जैसे ही हमारा कंपोनेंट हो गया, इसमें हमने होलिंग की, ड्रिल द्वारा हमने होल बनाया, ये हमने पूरा होल बनाया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बोर होल। ठीक है, मगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि पूरे होल में हमने नहीं बनाया है, हमने पूरी कढ़ाई तक होल नहीं बनाया है, कुछ ही दूरी तक बनाया, यानी कुछ दूरी तक बना के हमने छोड़ दिया, तो वैसे होल को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग ब्लाइंड होल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ टूल यूज टू कट आउटसाइड थ्रेड इज कॉल्ड, यानी कि वैसा कटिंग टूल जिसका यूज हम लोग आउटसाइड थ्रेड काटने के लिए करते हैं, उसे क्या कहते हैं। हमारा ऑप्शन क्या, हमारा ऑप्शन ए है ड्रिल। क्या ड्रिल हो सकता है? नहीं, ड्रिल का यूज हम लोग कंपोनेंट में होल बनाने के लिए करते हैं, अभी हमने पढ़ा था, तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है रीमर। रीमर हो सकती है? नहीं, रीमर का यूज हम लोग ड्रिल द्वारा किए गए होल को फिनिश करने के लिए करते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट हमारा है टैप। क्या टैप हो सकता है? नहीं, ड्रिल द्वारा किए गए होल के अंदर थ्रेड काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टैप यूज करते हैं, यानी कि टैप का यूज हम लोग इंटरनल थ्रेड कट करने के लिए करते हैं, मगर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया आउटसाइड थ्रेड यानी कि बाहरी थ्रेड के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी डाई। डाई वह ऐसा एक कटिंग टूल है जिसका यूज हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए यानी कि बाहरी थ्रेड काटने के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फास्टनर इज शोन इन द गिवन फिगर, यानी कि भाई जो फिगर दिया भाई किस टाइप के फास्टनर का है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन देख लेते क्या है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बोल्ट। क्या ये बोल्ट हो सकती है? नहीं, क्योंकि बोल्ट क्या होती है, हमारे उसकी जो इन पॉइंट होती है फ्लैट होती है, यहाँ पर कोनिकल बना हुआ है, ये हमारा एक चीज है। सेकंड, बोल्ट में हेड होती है, इसमें हेड भी नहीं है। ठीक है, थर्ड क्या होती है, बोल्ट में कुछ दूरी तक थ्रेड कटी होती है, यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी तक थ्रेड कटी होती है, ऊपर के पार्ट में थ्रेडिंग नहीं होती थी, ये हमारा बिल्कुल ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है स्क्रू। क्या स्क्रू हो सकती है? नहीं, स्क्रू में इन पॉइंट तो कोनिकल होती है, मगर इस यहाँ पे भी इसकी थ्रेडिंग कटी होती है और स्क्रू में उसकी हेड होती है जिसपे हम लोग क्या करते हैं, इस स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर लगाने के लिए यूज करते थे, यहाँ भी कुछ हेड नहीं बनी जिसमें हम स्क्रू ड्राइवर को फिट कर सके उसके कसने के लिए, तो ये भी हमारा बिल्कुल ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है स्टड। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि स्टड वैसा होता है टूल होता है जिसमें क्या होती है कि एक इन पॉइंट पर और सेकंड इन पॉइंट पर थ्रेडिंग कटी होती है, बीच के कुछ पार्ट में थ्रेडिंग नहीं होती है, वैसा ही हमको यहाँ पर दिख रहा है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ये हमारा क्या है स्टड है। आया समझ आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मोस्ट स्क्रू थ्रेड यूज इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बेस्ड इन द नेम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हम जितने भी जो ज़्यादातर थ्रेड यूज होते हैं वो कौन से थ्रेड होते हैं, हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ए थ्रेड वो हमारी होती है। ठीक है, हाँ, अब हम देख लेते हैं कि इस ऑप्शन से हमारे और भी क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन बी एस पी। कभी कभी एग्जाम में पूछे थे कि बी एस पी जो होती है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो हमारे क्या होगा बी फॉर ब्रिटिश। ठीक है, बी फॉर हमारी हो जाएगी ब्रिटिश, एस फॉर हो जाएगी हमारी स्टैंडर्ड। ठीक है, और पी फॉर हो जाएगी पाइप, यानी कि बी एस पी की फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे ऑप्शन है बी एस एफ। कभी कभी बी एस एफ के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थे कि बी एस एफ की फुल फॉर्म क्या होती है, बी एस एफ की फुल फॉर्म हमारी होगी ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। ठीक है, बी एस एफ की फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। ठीक है, नेक्स्ट आपके ऑप्शन जो इसमें करेक्ट आंसर थी आपकी बी ए थी, इसकी भी फुल फॉर्म कभी कभी पूछे थे कि बी ए की फुल फॉर्म क्या होती है, बी ए की फुल फॉर्म क्या होगी ब्रिटिश एसोसिएट। क्लियर है? चलिए कभी कभी इस ऑप्शन से और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, हम सारे क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे, इस ऑप्शन से और भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ताकि हमारे एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए हमसे कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो तुरंत लाइक जरूर कर दें। चलिए अब हम देख लेते हैं एक और क्वेश्चन से क्या बनती है कि बी एस पी जो हमारी होती है यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड होती है इसकी एंगल कितनी होती है, इसकी एंगल होती है 55 डिग्री। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा था ऑप्शन की बी एस एफ, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, इसकी एंगल कितनी होती है, इसकी एंगल भी कितनी होती है 55 डिग्री होती है। चलिए नेक्स्ट आपके ऑप्शन थे बी ए, बी ए का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया अभी जस्ट, ब्रिटिश एसोसिएट होती है, इससे भी पूछिए थे कि इसकी एंगल कितनी होती है, इसकी एंगल होती है 47.5 डिग्री। ठीक है, और आपके एक्मे थ्रेड के तो आपको पता ही है 29 डिग्री होती है। चलिए ये आपके क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं इन ऑप्शन से, और क्या बन सकती है, और बन सकती है कि बी एस पी थ्रेड यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का यूज हम लोग कहाँ करते थे, इसका नाम ही क्या है पाइप थ्रेड, यानी कि इसको हम लोग पाइप फिटिंग में यूज करते हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि बी एस एफ थ्रेड का यूज हम लोग कहाँ करते थे, इसका यूज हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में करते हैं। ठीक है, इसका यूज हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में करते हैं। बी ए थ्रेड आपके जस्ट अपने क्वेश्चन में पढ़ा है कि इसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके क्या है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, लीड स्क्रू ऑफ ए लेथ मशीन हैज विच थ्रेड
कट, ठीक है, यानी कि जो हमारे लेथ मशीन की लीड स्क्रू होती है उसमें कौन सी थ्रेड कटी होती है, तो हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर ए एक्मे थ्रेड। अभी जस्ट मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि एक्मे थ्रेड की एंगल कितनी होती है 29 डिग्री, यानी कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकती है कि लीड स्क्रू की जो थ्रेड कटी होती है एक्मे थ्रेड वो कितनी डिग्री एंगल की होती है, तो हमारा क्या होगा 29 डिग्री होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल, यानी कि इनमें से कौन सा हमारा जो है वो इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। सबसे पहले हम जान लेते हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेजरिंग टूल क्या होता है। इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल हमारी वो टूल होती है जिसपे हम लोग किसी भी कंपोनेंट की जो मेजरमेंट वो डायरेक्ट रीडिंग नहीं कर सकते, वहाँ हम डायरेक्ट देख करके नहीं जान सकते कि इसकी जो मेजरमेंट वो कितनी है। और बाकी आपकी जो वर्नियर कैलिपर है, यूनिवर्सल बेवल प्रोट्रैक्टर है या इनसाइड माइक्रोमीटर है, इसके थ्रू हम किसी भी कंपोनेंट या किसी भी जॉब को जो मेजरमेंट करते हैं डायरेक्टली उस पर हम शो हो जाती है कि कितनी इसकी मेजरमेंट है, यानी कितनी इसकी डायमेंशन है। और इनसाइड कैलिपर जो है इस पर हम लोग डायरेक्टली नहीं देख सकते, इससे हम क्या कर सकते हैं इनसाइड कैलिपर से हम किसी कंपोनेंट की जो मेजरमेंट लेते हैं फिर इसको जा करके हम लोग स्टील रूल पर रख करके उसे हम लोग देखते हैं, यानी कि ये हमारे जो है वो इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है, इस पर हम लोग डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ ग्राइंडिंग व्हील इज मार्क्ड 51A 46L 5B 23, ठीक है, या हेयर व्हाट डज 5 डिनोट, यानी कि यहाँ पर जो 5 है वो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। तो सबसे पहले हम जान लें कि ग्राइंडिंग व्हील में जो ये सारी चीज़ें जिसमें जो हमारा 5 है वो स्ट्रक्चर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन में ये भी हो सकती है कि आपसे ए 46L 5 या बी इन सब के बारे में पूछे, ठीक है, ये सब क्या है जब हम इसके भी समझ लेते हैं। हमारे जो यहाँ पे जो 51 है ये हमारा क्या है मैन्युफैक्चरर सिंबल है, ऐसा हमें आपको ए जो हमारा है वो एब्रेसिव का टाइप, यहाँ जो ए हमारा है वो एब्रेसिव टाइप बताता है, ठीक है। 46 जो हमारा है वो ग्रेन साइज को बताता है, डिनोट करता है। एल जो हमारा है वो हमारा ग्रेड बताती है कि ये जो हमारा है ग्राइंडिंग व्हील वो कौन से ग्रेड की, सॉफ्ट है, मीडियम है या हार्ड है, ठीक है। आपकी जो भी है ये आपके बॉन्ड को बताता है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड को बताता है कि कौन सी बॉन्ड है, यहाँ जैसे यहाँ भी है तो भी आपको वर्टिफाइड बॉन्ड को शो कर रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आपके क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट एंटी कोरोसिव ट्रीटमेंट, यानी कि जो कौन सा हमारा परमानेंट एंटी कोरोसिव ट्रीटमेंट यानी कि कौन सा हमारा इसमें जो अस्थायी प्रतिसंक्षारक उपचार है, तो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोप्लाटिंग। इलेक्ट्रोप्लाटिंग क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसमें लोग क्या करते हैं एक मेटल पर दूसरे मेटल को कोटिंग करते हैं इलेक्ट्रिक द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्नैकिंग इज ए प्रोसेस यूज टू रिमूव मेटल बाई, ठीक है, स्नैकिंग प्रोसेस में हम जो मेटल रिमूव करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, तो हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर डी ग्राइंडिंग पे ही हम लोग क्या करते हैं स्नैकिंग प्रोसेस करते हैं मेटल को रिमूव करने के लिए। और इस प्रोसेस में हमारी जो एक्यूरेसी होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती, इसमें एक्यूरेसी हमारी थोड़ी कम होती है, ठीक है, मगर इसमें हमारी मेटल जो है वो जल्दी ही ग्राइंड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज फॉर फ्लैट शेप बियरिंग, ठीक है, फ्लैट शेप बियरिंग के लिए कौन से मटेरियल का यूज हम लोग करते हैं, तो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा कास्ट आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ शाफ्ट ऑफ 25 ± 0.02 मिलीमीटर साइज हैज एन अपर लिमिट एज, ठीक है, यानी कि हमारा एक शाफ्ट जिसकी जो साइज है वही आपकी दी हुई है कि 25 ± 0.02 है, तो बताइए इसकी अपर लिमिट क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी जॉब पर दी गई अधिकतम छूट को हम लोग क्या बोलते हैं अपर लिमिट बोलते हैं, और न्यूनतम छूट को लोअर लिमिट बोलते हैं, यानी कि अधिकतम छूट का मतलब ये है कि आप इसे 25 ± 0.02 तक बना सकते हैं अगर आपकी ऐसे आपकी एक्यूरेट इसकी साइज 25 है, अगर आपकी जो 0.02 अगर ज़्यादा बन जाती है उसकी साइज तब भी आप उसको आपको ले लिया जाएगा, आपको उस जॉब को क्या होगा सबमिट कर लिया जाएगा। आपको जब भी वर्कशॉप में जॉब बनाने के लिए मिलती है तो आप देखते होंगे वहाँ पर आपकी डायमेंशन ऐसे दी हुई होती है, टॉलरेंस ऐसे आपकी दी होती है, ठीक है। माइनस में यानी कि अगर आपकी 0.02 कम भी है 25 से तब भी उस जॉब को सबमिट कर लिया जाएगा। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच हम लोग क्या बोलते हैं टॉलरेंस बोलते हैं, मगर आपकी यहाँ पर क्या पूछी गई सिर्फ अपर लिमिट पूछी गई, तो हम क्या करेंगे 25 ± 0.02 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 25.0002 मिलीमीटर आएगा, यानी कि हमारा अपर लिमिट हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन में लोअर लिमिट पूछा होता तो आप क्या करते 25 में से क्या करते 0.02 को माइनस करते, क्योंकि लोअर लिमिट क्या होती है तो इसको माइनस करते तो क्या आते हैं हमारी 24.98, यानी कि हमारी लोअर लिमिट क्या आती है 24.98 अगर क्वेश्चन में लोअर लिमिट पूछी जाती। तो अगर क्वेश्चन में आपसे टॉलरेंस पूछी जाती तो हम जानते हैं कि टॉलरेंस किसे कहते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू क्या आती है हमारी टॉलरेंस आती है, यानी कि हाई लिमिट और लो लिमिट के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं टॉलरेंस बोलते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं हाई लिमिट हमारी आती है 25.02 और लो लिमिट हमारी आती है 24.98, इसको जो हम लोग माइनस करते हैं हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है बिल्कुल करेक्ट होता है 0.04 हमारी इसकी टॉलरेंस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माइक्रोमीटर फ्रेम इज मेड ऑफ, माइक्रोमीटर का जो फ्रेम हमारा था वो किस से बना होता है, हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इनवार्ड स्टील, ठीक है।
और भी माइक्रोमीटर से और क्या क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक क्वेश्चन ये बन सकती है माइक्रोमीटर से कि माइक्रोमीटर की जो स्पिंडल होती है, ठीक है, माइक्रोमीटर की स्पिंडल जो होती है हमारी होती है, और हमारा माइक्रोमीटर का जो एनविल होता है वो किस चीज़ से बना होता है, ठीक है। तो माइक्रोमीटर का स्पिंडल और एनविल जो हमारी होती है वो हमारी कार्बाइड के बनी होती है, आया आपको समझ में, ठीक है, फेस कार्बाइड के बनाए जाते हैं। और सेकंड क्वेश्चन सब क्या बन सकती है कि माइक्रोमीटर का आविष्कार किसने किया, माइक्रोमीटर का आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार किया था, याद अच्छे से आप इस नाम को याद कर लीजिए, जीन पाल्मर ने किया था, ठीक है, जीन पाल्मर ने माइक्रोमीटर का आविष्कार किया था। और क्वेश्चन में कभी कभी ये पूछा था कि माइक्रोमीटर का आविष्कार जीन पाल्मर ने कब किया था, तो क्या होगा हमारा ऑप्शन 1848 में, सन 1848 में उन्होंने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज द टाइप ऑफ फीट अकॉर्डिंग टू BIS, ठीक है, BIS के अनुसार हमारा जो इसमें से कौन सा है जो हमारा टाइप ऑफ फीट है, तो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, टाइप ट्रांजिशन फीट, ठीक है। अकॉर्ड क्वेश्चन से हमारे क्या बन सकते हैं कि BIS के अनुसार कितने टाइप्स के फीट होते हैं, तो क्या होगा हमारा थ्री टाइप्स के फीट होते, ठीक है। BIS के अनुसार अगर कितने टाइप्स के फीट होते हैं ये पूछ जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, थ्री टाइप्स के फीट होते हैं। अगर क्वेश्चन से ये पूछेंगे कि कौन कौन से फीट जो है वो BIS के अनुसार होते हैं, तो एक तो हम यहाँ पढ़ चुके हैं ट्रांजिशन फीट हमारी BIS के अनुसार होती है, सेकंड हमारी ट्रांजिशन फीट के अलावा हमारी क्या होती है इंटरफेरेंस फीट होती है, ठीक है, इंटरफेरेंस फीट भी हमारी जो होती है वो BIS के अनुसार होती है। नेक्स्ट हमारा है क्लियरेंस फिट, क्लियरेंस फिट भी जो हमारी होती है वो भी BIS के अनुसार, यानी कि BIS के अनुसार थ्री टाइप्स के फिट होते हैं, ये हमने पढ़ा अभी, ठीक है। एक होती है हमारी ट्रांजिशन फिट, एक हमारी होती है क्लियरेंस फिट, और एक हमारी होती है इंटरफेरेंस फिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अप टू विच एंगल साइन बार्स कैन मेजर द एंगल्स, यानी कि साइन बार जो है वो कितने एंगल्स तक मेजर कर सकता है, तो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 45.5 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में सिर्फ 45 डिग्री मिलेगा, तो वहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका 45 डिग्री भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग 45.5 डिग्री बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टेपर सैंक ड्रिल शुड बी रिमूव फ्रॉम द मशीन स्पिंडल बाय द मीन्स ऑफ, यानी कि टेपर सैंक ड्रिल जो हमारी होती है उसे मशीन स्पिंडल से हम लोग किसके द्वारा निकालते हैं, तो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ड्रिप्ट, ठीक है। कहीं कहीं ये ऑप्शन में क्या लिखा होगा ड्रिल ड्रिप्ट भी लिखा होता है, तो यहाँ वहाँ पे हमारा ड्रिल ड्रिप्ट भी बिल्कुल करेक्ट जाएगा, इसे ड्रिप्ट या ड्रिल ड्रिप्ट भी हम लोग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच रीमर हैज गाइड्स ऑन फ्रंट एंड रियर साइड्स, यानी कि कौन सा रीमर में आगे और पीछे जो थी वो गाइड लगी होती है, तो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जिग रीमर, बिल्कुल करेक्ट होगा, जिग रीमर में आगे और पीछे गाइड लगी होती है। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। अगर आपको फीटर टर्नर मशीन से रिलेटेड कोई भी स्टडी मटेरियल्स या बुक्स ये सारे की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर सारे मटेरियल्स जो है वो अवेलेबल है, वहाँ जाकर आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है लॉक नट इन द माइक्रोमीटर इज प्रोवाइडेड टू, यानी कि माइक्रोमीटर में जो लॉक नट बनी होती है, ठीक है, लॉक नट ऐसे छोटी सी लगी होती है आपकी एनविल के पास, उसका यूज क्या होता है, तो उसका यूज होता है लॉक द रीडिंग आफ्टर सेटिंग इट ओवर द वर्क पीस, यानी कि जब हम वर्क पीस की जब रीडिंग ले लेते हैं उसे लॉक करके रखने के लिए, ताकि अगर बाद में हमें देखना हो कि उस वर्क पीस की जो साइज थी वो कितनी थी, तो वो हमारे साइज जो वो उसमें एडर ना, यानी कि हिलने के कारण उसमें साइज में कुछ डिफरेंस ना आ जाए, इसलिए हम उसको लॉक करके रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ थ्रेड ऑक्सीजन सिलेंडर रेगुलेटर है, यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर रेगुलेटर में जो हमारा थ्रेड होता है वो कौन सा होता है, तो हमारा क्या होगा राइट हैंड थ्रेड, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन इससे क्या बन सकते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो हमारा था वो किस कलर का होता है, तो क्या होगा उसका हमारा क्या होगा ऑक्सीजन सिलेंडर हमारा ब्लैक कलर का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉर जनरल पर्पज अ बेंच वाइज इज फिक्स एट द हाइट ऑफ, यानी कि जनरली हम लोग जो बेंच वाइज को फिक्स करते हैं बेंच पे वो कितने हाइट में फिक्स करते हैं, तो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 106 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर उससे हम लोग फिट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द स्लॉट्स प्रोवाइडेड ऑन द एंगल प्लेट आर, यानी कि जो हमारा एंगल प्लेट 90 डिग्री में से बना जिसपे हम लोग रख करके मार्किंग करते हैं, इसमें जो स्लॉट्स बने होते हैं नीचे, ठीक है, और इधर, उसका यूज क्या होता है, उसका यूज हम लोग करते हैं एकोमोडेटिंग बोल्ट्स, यानी कि बोल्ट्स को कसने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। यहाँ पर हम लोग बोल्ट कस से ताकि हमारा जो एंगल प्लेट वो फिक्स हो जाए एक जगह, ताकि मार्किंग करते उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द हेक्सा फ्रेम इन विच मोर देन वन स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्लेड कैन बी फिटेड इज कॉल्ड, यानी वैसा हेक्सा फ्रेम जिसे हम लोग एक स्टैंडर्ड साइज के अलावा अदर अदर साइज के भी जो ब्लेड वो फिट कर सकते हैं, वैसे हेक्सा फ्रेम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्या होगा हमारा एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, ठीक है, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वॉट विल हैपन इफ द स्पिंडल थ्रेड्स आर वॉर्न आउट इन द गेट वॉल, यानी कि हमारा जो गेट वॉल होता है अगर उसमें स्पिंडल थ्रेड हमारी जो घिस जाती है या टूट जाती है तो उससे हमारा क्या नुकसान होगा, तो क्या होगा वॉल विल नॉट ओपन,
नॉट क्लोज और ओपन व्हेन स्पिंडल टर्न, यानी कि स्पिंडल को चाहे हम घुमाएं या बंद करें या खोलें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही वो क्लोज होगा ना ही वो ओपन होगा, वो फ्री हो जाएगी। चलिए यहाँ तक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे हमने आज सॉल्व किए। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो वीडियो मैं अपने चैनल पर और प्रोवाइड करूँगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और आज का ये क्लास आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।